राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों खासकर छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणित अपराधों और हिंसा को देखते हुए कनाडा में मौजूद या जाने का विचार कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। वहीं बुधवार को इस बिल पर चर्चा करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मैं विधेयक के समर्थन में हूं। सोनिया गांधी ने कहा कि महिलाओं के धैर्य की सीमा का अनुमान लगाना कठिन है। स्मृति ईरानी ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार लगातार महिला उत्थान का काम कर रही है। वंचित महिलाओं को अधिकार की गारंटी सरकार की ओर से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। पुलिस के आपातकालीन नंबर पर अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाए जाने की सूचना मिलने के बाद 12 साल के किशोर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि किशोर ने YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाए जाने की जानकारी थी। केरल के कोच्चि में कक्कड़नाड इलाके में एक जेलेटिन फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस दौरान हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने आज कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना के लिए सरकार की ओर से मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बिहार के 38 और झारखंड के 4 जिला अधिकारियों को गंगा में प्रदूषण के मुद्दे पर 8 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इन जिलों से गंगा और उसकी सहायक नदियां गुजरती हैं। कश्मीर में मंगलवार को धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई गई और भगवान की प्रतिमा को घाटी में आतंकवाद फैलने के बाद पहली बार यहां झेलम नदी में विसर्जित किया गया। शहर के हब्बा कदल इलाके में स्थित गणपति यार मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव और पूजा का आयोजन हुआ। 1984 सिख दंगों से जुड़े दिल्ली के सुल्तानपुरी में 6 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार समेत सभी मुलजिमों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई जर्सी को लॉन्च कर दिया गया है। टीम इंडिया आधिकारिक किट स्पॉन्सर एडिडास ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया। इसमें कप्तान रोहित शर्मा के साथ दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, उप कप्तान हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज और कई अन्य खिलाड़ी नजर आए। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने सभी से आग्रह किया कि वे मानव अधिकारों के मुद्दे को अलग थलग ना करें और प्रकृति की देखभाल पर भी उतना ही ध्यान दें जो मानव के अविवेक से बुरी तरह आहत है। उन्होंने कहा कि भारत में हम मानते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दिव्यता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने प्रेम को फिर से जगाना चाहिए। नमस्कार, आई एम रियली हैप्पी टू इनॉग्रेट द एनुअल जनरल मीटिंग एंड बायनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशियन पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स आई गेट इंस्पायर्ड टू टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट व्हिच इज इवर एवल्विंग डायनामिक एंड क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट इन माई पब्लिक लाइफ। एज ह्यूमन काइंड ग्रोज मोरली एंड स्पिरिचुअली द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स गेट्स फर्दर evolved. What gives me immense satisfaction is the fact that this concept is deeply rooted in Indian civilization. The world saw the first glimpse of it when, after massive destruction caused by the 2 successive world wars, the United Nations General Assembly came up with a formulation, all men are born free and equal.
is the beginning of the Universal Declaration of Human Rights. It was then India's representative Hansabeen Mehta, a disciple of Mahatma Gandhi and freedom fighter, who suggested changing it to all human beings are born free and equal. Her change of one word expanded the notion of rights. Mahatma Gandhi's life and thoughts were also critical in shaping the draft of the Universal Declaration of Human Rights. He influenced the human rights discourse. It was under his influence that the notion of human rights came to be expanded from basic necessities of life to dignity of life as well. As many of you know, on June 7, 1893, Gandhiji was robbed of his dignity when he was thrown out of the first class compartment of the train at Pietermaritzburg in South Africa. On account of racial discrimination, he was a changed man then and went on to inspire millions of minions to fight for their rights of dignity. Similarly, Dr. B.R. Ambedkar too was an ardent champion of human rights. He taught the depressed classes to stand for their rights and live with dignity. He also led from the front in shaping the Constitution of India, which is not only aligned with the modern concept of rights, liberty, and justice, but also deeply rooted in the Indian ethos that sees the world as one family, Vasudeva Kutumbakam. We ensured a minimum of 33% reservation for women in local bodies election. What is more, in a pleasant coincidence, a proposal to provide similar reservation for women in the state assemblies and national parliament is taking a shape now. देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए लोकसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में होने वाले बदलावों का जिक्र किया और कहा कि इस बिल के साथ महिला अधिकारों की एक लंबी लड़ाई का अंत होगा, साथ ही महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले देश के विकास की शुरुआत हो सकेगी। कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सात अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 AA जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है, उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 303-30A जो लोकसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। नया अनुच्छेद 332-A जो राज्यों की विधानसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा। और इसके साथ साथ SC और ST वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी एक तिहाई सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश
इसी बिल से होने जा रहे हैं, क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है। इस अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से संसद में समर्थन उद्बोधन की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने इस अवसर पर इस अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की और कहा कि यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने के साकार होने जैसा है, जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण का जिम्मा उठाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में कड़ी हुई। धुएं से बड़ी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा, आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्ह राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है, देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15,00,000 चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाए जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के कार्य की शुरुआत भी की
और किसान भाई बहनों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से न केवल किसानों के खेत तक बिजली और पानी पहुंचेगा, बल्कि किसान भी समृद्ध होंगे। किसान भाइयों और बहनों, किसान केवल अन्नदाता नहीं है, किसान हमारे प्राणदाता भी है, क्योंकि अन्न अगर ना हो तो फिर खाएंगे क्या लोग। और इसलिए आप खेतों में ना खपें तो दुनिया का जीवन दो चार दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। मैं सभी किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। आपकी अथक मेहनत, अथक परिश्रम के कारण कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हमने गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि 2003-04 तक अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश में कुल होता था 159 लाख मीट्रिक टन, और अब वो बढ़ के पहुंच गया है लगभग 619 लाख मीट्रिक टन। ये पिछले साल का हमने अन्न के भंडार भर दिए। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरबती गेहूं हो, हमारा एक कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है मेरे किसान भाइयों। लेकिन सरकार ने, हमने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किसान को 15-16% पर ब्याज मिलता था। कई बार जो सुविधा मिलती उसके बारे में अपन भूल जाते हैं। मैंने घटा के पहले 7% किया, फिर 5% किया, फिर 3% किया, फिर 1% किया, और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा, बाकी कर्ज का ब्याज सरकार चुकाएगी। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं। बिजली का कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट होता था, उपलब्धता मिला के होती थी 5000 मेगावाट, आज 29000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने करके आपको दिया है। सिंचाई की व्यवस्थाएं अगर आप देखें तो आजादी के पहले भी राजा नवाबों ने जो बांध बनाए और कांग्रेस की सरकार आई तब जो बांध बने उनसे कुल 7 लाख हेक्टर में होती थी, आज सिंचाई की व्यवस्था कर दी 47 लाख हेक्टर में। 47 लाख हेक्टर में सिंचाई हो रही है। हम रुके नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। अभी जितने प्रोजेक्ट का हमने शिलान्यास किया है, काम शुरू कर रहे हैं, उनको मिला लेंगे तो 65 लाख हेक्टर को हम क्रॉस कर जाएंगे। और हमारा संकल्प है किसान भाइयों कि हम हर किसान को पानी दें। अभी कैन और बेतवा जोड़ने का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मंजूर हो गया है। एक ने अनेकों सिंचाई की योजना, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने 6000 दी, अब सोचा कि 6 PM की तो 6 CM, हर 2 महीने में 2000 आए। पहले PM के दो, फिर CM के दो, फिर PM के दो, फिर CM के दो, फिर PM के दो, फिर CM के दो, और ये सिलसिला थमेगा नहीं और आगे ही बढ़ेगा, ताकि छोटी छोटी जरूरतें पड़ती महीना दो महीना में उसके लिए विशेषकर छोटे किसान कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। किसान के हितों को पूरा करना ये हमारी पहली जवाबदारी है, और आगे भी किसान कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत बढ़ाना, उत्पादन का ठीक दाम। कांग्रेस ने अपनी एक योजना बंद कर दी थी अनुदान पर ट्रांसफार्मर वाली। कई दिनों से किसान साथी, किसान संघ, किसान मोर्चा, उनका कहना था कि जहाँ नहीं है बिजली उन किसानों के लिए बहुत उपयोगी योजना है, पूरा खर्च किसान उठा नहीं सकते। अब हर एक की इच्छा है कि मेरा खेत भी सूखा ना रहे, और अगर ट्यूबवेल या कुआ खुदवाए तो चाहिए बिजली, और इसलिए आज हम इस योजना का फिर से शुभारंभ कर रहे हैं। ये प्रदेश के किसान या किसानों के समूह भी ले सकता है, 4 किसान, 3 किसान, 5 किसान, वो मिलके भी इसको ले सकते। एक इलाके में नहीं है, दूर तक बिजली खंभे लगना है, ट्रांसफार्मर रखाना है, तो चाहे तो किसानों का समूह बना के भी वो बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। आप जानते 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 11 KV लाइन का विस्तार करना पड़ेगा, वो करेंगे और ट्रांसफार्मर उसके लिए स्थापित करेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। पावर्ड बाय कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, फुलफिलिंग प्रॉमिसेस विद आवर प्रोफेशनल टीम एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स इन पास्ट, वी गारंटी यू पीस ऑफ माइंड एंड टॉप क्वालिटी वर्क इन एन अफोर्डेबल प्राइस। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान में भाजपा द्वारा आयोजित जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ की और उत्तराखंड राजस्थान संबंध की चर्चा की। क्या कहा मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। भाइयों बहनों, राजस्थान हमारा प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा से भरपूर, विंध्याचल पर्वत,
पर्वत मालाओं से घिरे हुए इस झालावाड़ क्षेत्र में जहाँ के सांसद के रूप में भाई दुष्यंत जी लगातार इस क्षेत्र को सेवा दे रहे हैं और वसुंधरा जी ने इस क्षेत्र को चमन बनाने में, इस क्षेत्र में विकास की गंगा को लाने में जो यहाँ उन्होंने काम किया है भूतो न भविष्यति। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड और भीमभूमि राजस्थान सांस्कृतिक रूप से दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। भाइयों बहनों, जहाँ उत्तराखंड की जो भूमि है देवभूमि, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नई राह दिखाती है, एक नया रास्ता दिखाती है, वहीं राजस्थान की महान धरती की प्राचीन काल से यहाँ की भी अपनी एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान वैश्विक रूप से पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भाइयों बहनों, 2014 से 2019 का जो समय था वो समय आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था। 2019 से लेकर 2024 का जो समय है वो देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का करने का कालखंड है और 2024 से लेकर 2029 तक का समय भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का, विश्वगुरु भारत बनाने का, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत का बनाने का ये मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं आज सभी से ये निवेदन करता हूँ कि राजस्थान के संपूर्ण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने में आप सबको अपना योगदान सुनिश्चित करना है। मैं देवभूमि से आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूँ। देवभूमि के लोगों ने अभी पिछले साल वहाँ पर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। डबल इंजन की सरकार के कारण से तेजी से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर तेजी से वहाँ की सरकार विकास कर रही है। राजस्थान के अंदर अगर ये विकास रुका है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि मोदी जी को सहयोग करने वाली, मोदी जी के अनुसार और राजस्थान के अनुरूप ये नई सरकार जो बननी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। देवभूमि से मैं आप सबसे ये अनुरोध करने आया हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर आप सबका धन्यवाद करते हुए विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बोले भारत माता की। दिल्ली के पश्चिमी जिला प्रशासन की जिला स्किल समिति की बैठक के अंतर्गत मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ाने और रोजगार मुहैया कराने के एक बड़े प्रयास के रूप में पश्चिमी जिला प्रशासन द्वारा दलित समूह के प्रतिनिधि केशव सूरी फाउंडेशन, IBM स्किल बिल्ड के प्रतिनिधि CMR बॉक्स फाउंडेशन के साथ MOU पर दस्तखत किए गए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए DM पश्चिमी जिला डॉक्टर किन्नी सिंह ने कहा कि समिति बैठक का मुख्य उद्देश्य अप स्किलिंग के साथ रोजगार को बढ़ाना है, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली की विशेषता यहाँ के बड़े उद्योग हैं। ऐसे में उद्योगों को रोजगार चाहने वाले मानव संसाधन से जोड़ने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि समिति की बैठक में PM विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के साथ जिला स्तरीय कौशल विकास और राज्य कौशल विकास योजना के अंतर्गत हुए कार्यों पर भी चर्चा हुई, जिसमें प्रशासन, समिति सदस्य व स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। देखिए, आज वेस्ट दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है और इंडस्ट्री लिंकेज साथ में एस्टेब्लिश करना है। तो हमने 2 MOU साइन करे हैं। एक हमने केशव सूरी फाउंडेशन के साथ किया है, जो कि पहले भी एक MOU हम लोगों ने पहले साइन कर चुका है, मतलब वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और अभी एक नया MOU हम लोगों ने साइन किया है IBM स्किल्स बिल्ड के साथ। तो इसमें बेसिकली काफ़ी टेक्निकल कोर्सेज हैं स्किल्स बिल्ड में, एंड केशव सूरी फाउंडेशन में काफ़ी हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज हैं। सो वेस्ट दिल्ली की जो पिक्युलैरिटी वो है वो ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी है एंड जॉब सीकर्स काफ़ी हैं, और कहीं ना कहीं वो एक जो गैप क्रिएट हो रहा है बिटवीन द जॉब कीपर्स एंड इंडस्ट्री, वो हम लोग ट्राई करेंगे कि वो गैप फिल हो सके। ये डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी की यही कोशिश रहेगी। ये एक इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी, जो कि पहले से एस्टेब्लिश्ड है। पहले केशव सूरी फाउंडेशन के साथ आई थिंक मेरे प्रेडिसेसर ने एक MOU साइन किया था, उसके
सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उसमें अच्छा काम हो चुका है। लगभग यहाँ से आई थिंक 100 लोगों की मेन स्ट्रीमिंग हो चुकी है। एंड एक ये अपने तरीके का एक अलग इनिशिएटिव है कि जिसमें कि ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के ऊपर भी ज़िले में अभी चर्चा हुई है, जिसमें कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले हम लोग पॉकेट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे जहाँ पे अनऑर्गेनाइज लेबर रहते हैं, एंड वी विल ट्राई कि हम उनका रजिस्ट्रेशन या फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें, ताकि जैसे ही इंस्टीट्यूशनल सेटअप इस चीज़ का होता है तो हम रिक्वायर्ड जो लिंकेजेस हैं, मार्केट लिंकेज, इंडस्ट्री लिंकेज, ट्रेनिंग लिंकेज, रिक्वायर्ड लिंकेज हम लोग एस्टेब्लिश कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय त्यागी है और मैं दलालित होटल में हेड डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन के तौर पर कार्यरत हूँ। साथ ही केशव सूरी फाउंडेशन जो एक संस्था है जो कि समाज के वंचित वर्गों के लिए मिलकर काम करने का प्रयास कर रही है, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, चाहे वो पर्सन विद डाइवर्स डिसेबिलिटीज़ हो, चाहे वो एसेटेक वॉरियर्स हो, इन सभी को एक साथ लाकर और इनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी है। और ललित होटल के माध्यम से हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपने साथियों को प्लेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और समाज के लिए एक नया आयाम पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, किस तरीके से विभिन्न समाजों और वर्गों के लोगों को एक साथ लाकर एक अच्छी टीम क्रिएट करना और उनके साथ आगे काम करना, एक रोल मॉडल क्रिएट करना, ये हमारा प्रयास है। आज हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेस्ट दिल्ली के साथ एक MOU भी साइन किया है, जहाँ पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ किस तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी एक MOU साइन किया था, जिसके तहत काफ़ी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो साथी हैं वो हमारी टीम में आकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन किए। और हमारी कोशिश है कि ये जो पहल है ये निरंतर बहुत अच्छे तरीके से विकसित होती रहे और हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही नहीं बल्कि अलग अलग वर्ग, अलग अलग डाइवर्स सेक्शंस और इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एक उज्जवल भविष्य जो है उसके ना केवल सपने दिखाएं बल्कि उनको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, किस तरीके से वो मुकाम हासिल किया जा सकता है, उसकी ओर अपने साथ हाथ में हाथ थाम कर आगे लेकर चलें। केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बिल पर पार्टी का पक्ष रखा। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और शंका व्यक्त करते हुए कहा कि बिल लागू होने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। ये जो बिल आ रहा है, ये बिल लागू होगा या नहीं होगा, इस पर ही अपने आप पे बड़ा सवाल है। 20 साल में लागू होगा, 25 साल में लागू होगा या लागू नहीं होगा, इसी को लेकर सवाल खड़ा हो गया। इस महिला आरक्षण बिल में जो 2010 में राज्यसभा के अंदर पास हुआ था, उसमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यह था कि भाई 33% आरक्षण मिलेगा तो राज्यसभा में पारित बिल लैप्स नहीं होता और उसी बिल को ये लोकसभा में पास कर सकते थे पिछले 9 साल में। वही बिल जो राज्यसभा में पारित बिल है, जिसमें यह प्रावधान नहीं है कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद बिल लागू होगा, वो बिल लैप्स नहीं हुआ, उसी बिल को लोकसभा में पास कर देते। अब एक अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 82 का, जो ये कहता है कि सेंसस के बाद ही डिलिमिटेशन होगा। और सेंसस कब होगा? 2031 में होगा। और 2031 के बाद कम से कम 2 से 3 साल सेंसस में लगेगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा। तो जो डीलिमिटेशन पिछला हुआ था उसमें 7 साल लगे थे, तो अगर मान लीजिए 2 से 3 साल सेंसस में लगा तो हो गया 31 से लेकर 34, और उसमें 6-7 साल अगर इनके बीत गए डीलिमिटेशन कराने में, तो ये तो 2039 के बाद ये बिल आने की योजना बना रहे हैं। तो ये क्या है महिला आरक्षण बिल? आप देश की करोड़ों महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। आप इतना बहुप्रतीक्षित बिल, पहली बार 1996 में आया, दूसरी बार 1998 में आया, तीसरी बार 2002 में आया, चौथी बार 2008 में आया, फिर 8 में आया, फिर 2009 में आया, फिर 10 में आया। इतने लंबे 1996 से लेकर अब तक का सफर सोच लीजिए आप, करीब करीब 27 साल हो गया, 27 साल का लंबा इंतजार। और उसके बाद आप एक बिल लेके आते हैं जिसको आपने फिर ऐसी योजना बना दी है कि जो बिल 2039 के बाद लागू होगा और लागू होगा भी नहीं, ऐसी आप योजना लेके आए हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी
इस पर अपना विरोध दर्ज करा रही है। अगर वास्तव में आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो 2024 में महिला आरक्षण बिल लागू कीजिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।